हेलो एवरीवन, हमारे चैनल मिस्टीरियस प्लैनेट में आपका स्वागत है। आज हम आपको खूनी तालाब के बारे में बताने जा रहे हैं। नर्क के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जहां मरने के बाद लोगों को उनके पाप की सजा दी जाती है। कहते हैं नर्क में लोगों को खौलते पानी में डालकर उसके कर्मों की सजा देते हैं। हालांकि नर्क की केवल एक ही बात अच्छी है, वो ये कि उसके दर्शन केवल मरने के बाद ही होते हैं। लेकिन हम आज आपको हमारी दुनिया की एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी नर्क से कम नहीं है। यह जगह जापान में स्थित है, जिसका नाम है ब्लडी हेल पॉन्ड, यानी नर्क का खूनी तालाब। जी हाँ, यह एक तरह का तालाब है। आप सोच रहे होंगे कि तालाब तो अक्सर खूबसूरत होते हैं, तो इसे नर्क का द्वार क्यों कहा जाता है? दरअसल ये तालाब देखने में तो एक सर्ख लाल रंग का है। ऊपर से इस तालाब का पानी उबलता रहता है। उबलते तालाब की भाप दूर से दिखाई देती है। जी हाँ, इस तालाब के पानी का तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस वजह से उबलने लगता है। इस पानी का तापमान लगभग 194 फ़ारेनहाइट है। सुर्ख लाल रंग के पानी को उबलते देख लगता है कि किसी का खून उबल रहा है। इस वजह से लोगों में इस तालाब को लेकर एक अलग सी खौफ होता है। इसी नज़ारे को देखने के लिए यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। वैसे तो तालाब को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते ही हैं, लेकिन पानी का तापमान अधिक होने की वजह से तालाब के पास लोगों को आने नहीं दिया जाता, वो इसे दूर से ही देखते हैं। इस पानी के उबलने की वजह है इसमें मौजूद आयरन और नमक की मात्रा का अत्यधिक होना। अगर आप जापान की यात्रा पर जा रहे हैं तो इस जगह को देखना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पानी की सतह से भाप वाष्पित होती रहती है। नर्क के द्वार की तरह लगने वाली इस जगह को दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो खून उबल रहा हो, और इसी को देख लोग काफ़ी भयभीत हो जाते हैं। कभी कभी तो देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि तालाब उन्हें अपनी ओर खींच रहा है, जिस वजह से लोग वहां जाने से खौफ खाते हैं। कारण कोई भी हो, पर इस प्रकार के बने प्राकृतिक तालाब की बात अजब निराली है। तो इस प्रकार की नई नई जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।